जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन घर का व्रत बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है, मेरी बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से यह मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे चार बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, चार बहू में कभी भेद मत करना। दो बेटों को दूध पिलाया है तो दो बहू में भेद मत करना। पांच बेटियां हैं तो पांच बेटियों में भेद मत करो, तीन बेटियां हैं तो तीन बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ, सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे, पर सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज़्यादा आदर दूँ और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूँ। ना ना, सबसे ज़्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव सम्मान आदर जरूरी, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था, हाउ शिव जी के साथ भी आई है, शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या भी आई, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं, कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं, मेरी बेटियां जिस जिससे भी आई उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं सिर पर, मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है, दिन रात। ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है, पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम, लेते क्या है तुमसे, एक लोटा उससे ज्यादा क्या लिया उसने। कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करना, तुम मुझ पर भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पर भरोसा रखो कि विश्वास रखो, पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दिए, उसको भाव पार कर दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई हैं, हाँ ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते।
मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 2 साल से मैं बहुत बीमार थी। जांच कराई तो मेरे पेट में गठान थी, गठान बड़ी थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान साधारण नहीं थी, जिसकी जांच बाहर भेजना थी। डॉक्टर के हिसाब से तुम्हारे को बीमारी बड़ी हो सकती है, ये डॉक्टर कह दिए थे। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अब करे तो करे क्या, ऑपरेशन की तारीख भी निकाल दी। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, तुम सुनना चालू करो। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा, फिर जल चढ़ाकर उस जल को पी जाती, बाबा को चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्र पाती। दूसरी बार में जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गई, बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई। और ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार इसे हिला दो। मेरी गठान की जांच मैं पीछे लगा रही हूँ, जो डॉक्टर के हिसाब से जांच भी लगाई गई है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। सो हर्षिका योगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलनेर, तहसील साकरी, जिला धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो हर्षिका योगेंद्र चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलनेर, तहसील साकरी, जिला धूलिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है, यही बच्चा है जिसका ऑपरेशन हुआ है, लिया उसके ऊपर। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है, पिपलना तहसील साकरी जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम रियांश योगेश चौधरी है, वह 4 साल का है। गुरुजी जैसे वह चलने लगा, वह ठीक से चल नहीं पाता था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसकी रिपोर्ट में पता चला कि उसके सिर में पानी भर गया है, जिसके कारण बस अच्छे से चल नहीं सकता। डॉक्टरों ने उसके सिर का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। ऑपरेशन के दौरान उसके सर में चैम्बर डाला गया था, जिससे हम उसके सर का प्रेशर कंट्रोल कर सकें। घर आने के बाद किसी कारणवश उसका जो चैम्बर था वो फट गया। अचानक से उसे एक दिन जोर का झटका आया, फिट आना चालू हो गए। जब बच्चे को फिट आना चालू हुए, हमने उसे जल्दी से अस्पताल में ले जाकर दाखिल करा। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन हो गया। एक बार का ऑपरेशन करा, डॉक्टर ने फिर वापस से उसका सिर खोला और वापस ऑपरेशन करा। उसके बचने की आशा डॉक्टर के हिसाब से 0 बता दी गई। हमारा 4 साल का बच्चा हमारे हाथ से जाने लगा। डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया, क्योंकि अब उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, चल नहीं पा रहा था, शरीर पूरा पलंग पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने फिर एक ऑपरेशन करा उस बच्चे का, फिर भी शरीर काम नहीं करा, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। 5 ऑपरेशन मेरे बच्चे के 4 साल की आयु के बच्चे के सिर के हुए, उसके झटके आना चालू रहे, शरीर टेढ़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा जिंदगी में कभी ना चल पाएगा, ना ये बच्चा समझ पाएगा, ना जान पाएगा, ना बोल पाएगा। बच्चा पलंग पर रहे, हम सब घबरा गए। तभी किसी ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना चालू करो। हमने देवाधिदेव महादेव को जल दिया, इसका शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर बच्चे के पास में रखना प्रारंभ करा। देखते ही देखते हैं, किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष मंगाया, रुद्राक्ष का जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष रुद्राक्ष, हम कहते हैं रुद्राक्ष नहीं, वो स्वयं शंकर है, जिसका फल मिलता जरूर है। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है। जो बच्चा जिंदगी भर नहीं चल सकता था, जो माइंड से सोच नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बाबा की कृपा से वो पूरा धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ हुआ। लिया उसका, वो बच्चा अब पूर्ण तरह से ठीक है।
मैं उसको कथा में लेकर आई हूं बाबा, धन्यवाद। शंभु श्री, बोलो श्री, क्या नाम है आपका, बोलो श्री, बोलो जल्दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है आपका, नाम क्या, जिस बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था, ये जिंदगी भर चल नहीं सकता था, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा था, सुनना देखना बोलना पलंग पर हो गया था, बाबा की कृपा से अब वो नाम भी बोल कर गया है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव कृपा। अरे लुटा दिया भंडार काश, कर दिया माला शिव। क्या देता है, कब देता है, कैसा देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता, ये वो निर्भर करे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग कथा में जो पहुँचे हैं, मेरा बाबा आपकी झोली में कब कैसे क्या डालेगा,